गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर टीएसएन क्लासेस। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 9। वी कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 212। टुडे टॉपिक इज जंक क्लासिफिकेशंस। जंक क्लासिफिकेशंस के जो दिए गए हैं उसने, सी जी जंक हैज क्लासिफाइड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशलबिलिटीज कैरेक्टर्स एज इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। दीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। थ्री टाइप के जंक्स ने क्लासिफिकेशन दिए हैं मेंटल बेसिस पे। क्या दिए हैं? एक तो होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मींस कि जो दीज आर द पर्सन हु शेयर्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज शाइनेस, सोशल विड्रॉल एंड टेंडेंसी टू टॉक लेस। ऐसे लोग वो होते हैं जो इंट्रोवर्ट, जो अंदर से कुछ और, मतलब अंदर से जैसे होते हैं उस टाइप के पर्सन होते हैं। ओइंग टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स Sticks, such persons seem to be self-centered, unable to adjust easily in society to or social situation. They are very sensible, rigid in ideas and future oriented. ऐसे लोग वो होते हैं जो कि थोड़ा शर्मीले टाइप के होते हैं, सोशल विड्रॉल, टेंडेंसी टू लैक्स, टॉक लेस, कम बोलते हैं, शांत रहते हैं। और ओइंग टू दीज करेक्टर सच पर्सन सीम टू बी सेल्फ सेंटर्ड, अनेबल टू एडजस्ट ईजिली इन सोसाइटी और सोशल सिचुएशन। ऐसे लोग सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते और सोशलाइजिंग सोशल सिचुएशन में नहीं एडजस्ट कर पाते। ऐसे लोग सेंसिबल टाइप के होते हैं, इनके रिगिड आइडियाज़ होते हैं, फ्यूचर इनका ओरिएंटेड होता है, आगे फ्यूचर की सोचते हैं, मतलब शाई नेचर के होते हैं और अपनी जो बातें अंदर ही अंदर रखते हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सन वो होते हैं जो आउटर जैसे लगते हैं वैसे ही वो अंदर होते हैं। जैसे कि आउटर पर्सन जैसे जिसका जिसका रहन सहन बिहेवियर जैसा भी है वो एज इट इज़ जैसा बाहर से दिखता है वो वैसा ही होता है। एक्सट्रोवर्ट हैज़ अ टेंडेंसी टू बी फ्रेंडली। ऐसे लोग फ्रेंडली लोग टाइप के होते हैं, आउटगोइंग इनको पसंद होता है, टॉकेटिव होते हैं, ज़्यादा बात करने वाले होते हैं एंड सोशल इन नेचर, और इनका सामाजिक नेचर में अच्छा रहता है, बैठना उठना रहता है। दे यूजली प्रिफर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये लोगों से संपर्क में रहते हैं। दे आर जनरस, सपोर्टिव एंड करेजियस। ये लोग थोड़ा जनरस होते हैं, सपोर्टिव होते हैं और करेज साहसिक होते हैं। दे मे बी कॉल हैप्पी। ये इन लोगों को आप हमेशा हैप्पी देखेंगे। गो लकी पर्सन इनको बोला जाता है, लकी पर्सन। दे शो इंटरेस्ट इन प्रेजेंट रियलिटी एंड देन फ्यूचर। वो लोग, ये लोग फ्यूचर से ज़्यादा प्रेजेंट में जीना, मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं। दे डू नॉट हैव हेजिटेशन इनमें, मतलब हेजिटेशन नहीं होता। दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स ओपनली, अपनी जो फीलिंग्स होती है वो एक्सप्रेस कर देते। दे टेक डिसीजन एंड एक्ट अपॉन क्विकली, और वो डिसीजन ले लेते हैं क्विकली और तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड ईजिली बाई डिफिकल्टीज एंड ट्रबल। ये लोग डिफिकल्टीज और ट्रबल से नहीं घबराते हैं। थर्ड होता है एम्बिवर्ट। जो लोग एम्बिवर्ट पर्सन होते हैं, जो जैसे बाहर से दिखता है वो ऐसे ही अंदर होते हैं। ये कुछ परसेंट में लोग होते हैं, इट मीन्स कि 100% में से 10% लोग ऐसे लोग पाए जाते हैं जो एम्बिवर्ट टाइप के होते हैं, जो अंदर से जैसे जैसा सोचते हैं वो वैसे ही बाहर होते हैं। दे आर ओनली फ्यू पर्सन हु आर प्योर इंट्रोवर्ट एंड और प्योर एक्सट्रोवर्ट। द रिमेनिंग मेजोरिटी ऑफ पर्सन पोसेस बोथ द क्वालिटीज और ट्रेट ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। सच पर्सन आर कॉल्ड एज एम्बिवर्ट। ऐसे पर्सन को आप एम्बिवर्ट बोल सकते हैं, जो अंदर से जैसा है वैसा ही बाहर से दिखता है। नेक्स्ट है बिग फाइव थ्योरी पर्सनैलिटी। पांच पर्सनैलिटी के ऊपर थ्योरी लिखी गई है। जैसे कि फर्स्ट है, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट पर्सन गिव्स डिफिकल्टीज डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द सेम सिचुएशन। इनडीड द फाइव बिग फाइव फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी आर द फाइव मेन डोमेन्स विच डिफाइन ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड account for individual differences. These five domains or dimension of personality as are considered to be the fundamental traits that make up an individual overall personality. The big five traits of personality are described below. पांच personality divide की गई है, किसके ऊपर? human के ऊपर। human को describe किया गया है, define किया गया है, उसकी personality को different parts में difference डायमेंशन बोल लीजिए एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन्स। फर्स्ट है ओपननेस। ओपननेस पर्सन हु लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कॉन्सेप्ट एंड एंजॉय न्यू एक्सपीरियंस यूजली रिमेन ऑन द टॉप इन ओपननेस। ऐसे पर्सन जो कि लर्न करना पसंद करते हो, न्यू चीज़ों पर सोच, न्यू चीज़ों पर
कंसेप्ट तैयार करते हो या न्यू थिंग्स उनके जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो, इंजॉय न्यू एक्सपीरियंसेस। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न्यू एक्सपीरियंसेस को इंजॉय करते हैं, यूजुअली रिमेन ऑन द टॉप इन ओपननेस। ऐसे लोग जो होते हैं वो टॉप इन ओपननेस में आते हैं। ओपननेस इंक्लूड ट्रेट लाइक बीइंग इमेजिनेटिव। ऐसे लोग जो होते हैं इमेजिनेटिव होते हैं, वो लोग इनकी जो थॉट जो होते हैं माइंड के, वो क्रिएटिव माइंड टाइप के लोग होते हैं, इमेजिनेटिव टाइप के होते हैं। इनसाइटफुल, हैव हैविंग अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। इन लोगों को इनसाइटफुल वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्शियसनेस पर्सन, कर्तव्य निष्ठा वाले पर्सन का होता है। पर्सन हु हैव अ हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस आर रिलेबल प्रॉम्प्ट। सच पर्सन रिमेन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक लेबरियस एंड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। ऐसे पर्सन जो होते हैं कॉन्शियसनेस होते हैं, क्योंकि कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य को मतलब जो भी इनको कुछ दे दिया जाता है तो उसको अच्छे तरीके से करते हैं। सच पर्सन रिमेन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक होते हैं, लेबराइज होते हैं और कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। और ये रेस्पेक्ट लाइक सब चीज़ में कम्प्लीटली रेस्पेक्ट टाइप के होते हैं। एक्स्ट्रोवर्जन पर्सन वो होता है जो बहिर्मुख होता है, जो बाहर से लिखता है, जैसा गेट देयर एनर्जी ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर इंडिविजुअल वेयर एज इंट्रोवर्ट गेट देयर एनर्जी ऑफ विद इन देमसेल्फ। एक्स्ट्रोवर्जन इंक्लूड द ट्रेट्स ऑफ बीइंग एनर्जेटिक, टॉकेटिव एंड एसर्टिव। ऐसे लोग जो होते हैं जो एनर्जेटिक टाइप के होते हैं, टॉकेटिव टाइप के होते हैं और एसर्टिव टाइप के होते हैं, जो असरदार बाहर से जैसे उनकी जो एनर्जी होती है वो अपने आप में अफेक्ट डालना, किसी सामने वाले पे अफेक्ट डालना, उनकी ऐसी पर्सनैलिटी होती है। एग्रीबलनेस जो लोग होते हैं, निश्चयात्मक जो पर्सन होते हैं, सच इंडिविजुअल आर फ्रेंडली कॉपरेटिव कॉम्पिटिटिवल। ऐसे लोग फ्रेंडली होते हैं, कॉपरेटिव और टाइप्स के होते हैं, कॉम्पिटिबल होते हैं, काइंड एंड जेंटल होते हैं। पर्सन विद ट्रू एग्रीबलनेस मे बी मोर डिस्टेंस और अलूफ। दे आर यूजली काइंड, जेनरस, अफेक्शनेट एंड सिंपैथिक टाइप के लोग होते हैं। फिफ्थ बोला गया है न्यूरोक्रिटिज्म इज ऑल्सो कोल्ड इमोशनल स्टेबिलिटी, मनोविदुष्टता, जो अंदर से इमोशनली स्टेबिलिटी पे डिपेंड होते हैं। दे डोमेन्स, दिस डोमेन्स और डायमेंशन रिलेट टू वन इमोशनल स्टेबिलिटी एंड द डिग्री ऑफ नेगेटिव इमोशंस। ऐसे लोग की जो होती है वो नेगेटिव इमोशंस रखते हैं। पर्सन हु हैव हाई न्यूरोटिज्म्स यूजली एक्सपीरियंस इमोशनल इनस्टेबिलिटी एंड नेगेटिव इमोशंस, सच इंडिविजुअल रिमेन मूडी एंड टेंस। ऐसे लोग जो होते हैं वो नेगेटिव टाइप्स के होते हैं और मूडी और टेंस टाइप के होते हैं, जो कि इनको ऐसा बना देते हैं। थैंक यू।